हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट अथवा सिंपल फ्यूचर। अब हम सेकंड लेवल पर चल रहे हैं कंटिन्यूअस सीखने। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, दोस्तों में, अपने क्लासमेट में ज़रूर शेयर कीजिए। और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत ही आसान शब्दों में, इजी वे में, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं सीखेंगे। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी क्या बनती है? प्रेजेंट मीन्स आप जानते हैं वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल, तो इसकी हिंदी होती है वर्तमान का जारी काल, है ना, जारी, जो काम जारी हो, वर्तमान में जो काम चल रहा हो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर। और कुछ एडवर्बियल्स होते हैं बच्चों, एडवर्बियल्स होते हैं जो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे नाउ, नाउ अडेज, एट दिस प्लस डे, एफ नाइट, एट दिस नाइट, एट दिस वीक, मंथ, ईयर, मोमेंट, ये सारे सारे एडवर्बियल्स हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने में मदद करते हैं कि यह सेंटेंस मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होता है, जहाँ पर ये वाले वाक्य ऐड होते हैं। क्लियर, 100% नहीं होता है लेकिन मोस्टली केसों में हेल्प करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ मीन्स प्लूरल नंबर के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। क्लियर, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? इज, एम, आर। इज क्या है? सिंगुलर के साथ लगेगा हमेशा। एम क्या है? एम तो आई के साथ हमेशा लगेगा। आर जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्लियर। वैसे भी डियर स्टूडेंट, आप जानते रहिए, इज मीन्स है होता है, एम मीन्स हूँ होता है, आर मीन्स हैं या फिर हो। तो हैं या हो की लास्ट में आ जाए तो आर लगाइए, हु आ जाए लास्ट में जैसे रहा हूँ तो एम लगाइए, है आ जाए, खा रहा है, जा रहा है, तो इज लगाइए। इसकी मीनिंग से भी आप बहुत आसानी से हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, नो इशू। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब देखेंगे मेन वर्ब कैसा होता है। मेन वर्ब इसमें इज, एम, आर के साथ हमेशा मेन वर्ब में इंग फॉर्म जोड़ते हैं, है ना, इंग फॉर्म, वर्ब प्लस ing फॉर्म को जोड़ेंगे, वर्ब प्लस ing जोड़ा जाता है, इसे कहते हैं इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर, या फिर इसे वर्ब का फाइव टाइप, वर्ब को फाइव टाइप में बांटा गया है, पांचवा टाइप होता है इंग फॉर्म वाला, इसे हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हम स्ट्रक्चर देख लीजिए। सिंपल सेंटेंस, इसका फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी ऐड रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, अथवा कुछ और है तो आगे ETC। ठीक, इस तरीके से, और फुल स्टॉप। अब ट्रांसलेशन सीखते हैं। छात्राएं आपस में लड़ रही हैं, देखिए रही हैं, रहा है, रहे हैं, यही पहचान है ना, तो रही हैं आ गया, हैं इस छात्राएं प्लूरल नंबर है और हैं भी आया है, कहने मतलब प्लूरल नंबर में क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं, और लड़ रही हैं मतलब लड़ाई करने का वर्क जो है कंटिन्यू जारी है, अभी है ना, जारी है, तो फिर अब समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप लगाएंगे द गर्ल्स, छात्राएं, द गर्ल्स आर फाइटिंग, फाइट के साथ आई एन जी,
ईच अदर, ठीक, ईच अदर एक दूसरे से लड़ रही हैं, क्लियर। इस तरीके से ट्रांसलेशन आप करेंगे। और देखिए दो एग्जांपल्स और देखते हैं। आकाश में बादल उड़ रहे हैं, देखिए उड़ रहे हैं, आकाश क्या है, देखिए आकाश क्या है, एक प्लूरल नंबर है। क्लाउड्स आर फ्लोटिंग्स इन द स्काई, आकाश में बादल उड़ रहे हैं तो क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, ठीक। क्लाउड्स क्या हो गया, बादल जो है प्लूरल नंबर माना जाता है, क्योंकि आकाश में छोटे छोटे टुकड़े में ढेर सारे बादल होते हैं ना, तो छोटा छोटा बादलों का समूह होता है, ढेर सारे होते हैं, तो प्लूरल नंबर यूज किया जा रहा है। चिड़िया चहचहा रही है, देखिए चिड़िया चहचहा रही है सिंगुलर है, क्योंकि एक ही चिड़िया की बात हो रही है ना। वैसे यहाँ इज आना चाहिए, इज लगाएंगे आप लोग, है ना, क्योंकि चिड़िया है। द बर्ड इज चर्पिंग, द बर्ड इज चर्पिंग, चिड़िया अगर हो जाए, चिड़िया चिड़िया ना, तो चिड़िया चहचहा रही हैं तो आर लगाएंगे सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर का सेंस दे रहा है चिड़िया, तो इज लगा देंगे आप, इज इसको काट देंगे। द बर्ड इज ऐसे इसको बनाएंगे दोस्तों, द एक मिनट इरेज कर दें हम, द बर्ड इज चर्पिंग, इस तरीके से, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि निगेटिव का मतलब कुछ नहीं, निगेटिव मीन्स केवल नॉट ऐड हो जाता है, सेंटेंस निगेटिव बन जाता है ना, नॉट ऐड कर देने से निगेटिव बन जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मीन्स चाहे जो आ जाए, प्लस नॉट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे आप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ई टी सी। देखिए मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, रहा हूँ आ गया है ना, हूँ हूँ की अंग्रेजी जानते हैं आप सब, एम होता है वैसे भी, और आई है तो आई के साथ एम लगेगा ही लगेगा, चाहे हूँ के अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए, चाहे ए के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, दोनों सही है। तो आई एम नॉट टॉकिंग, देखिए टॉक के साथ आई एन जी ऐड हो रहा है। नाउ देखिए नाउ आया है, ये एडवर्बियल है, अभी हमने एडवर्बियल में सीखा था नाउ आता है ना, तो नाउ आ गया। आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, ये हो गया, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस है, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, देखिए बच्चे बहुवचन आ गया, प्लूरल नंबर है, तो आर लगाएंगे, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, क्लियर, प्ले के साथ आई एन जी है, ये हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक ट्रांसलेशन और देखते हैं बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, देखिए हु आया है ना, हु मीन्स हु की इंग्लिश क्या होती है, एम होती है, और सब्जेक्ट भी आई है, तो आई के साथ एम लगता है, क्लियर। तो आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, ठीक, इस तरीके से आप बना लेंगे। वर्शिपिंग, वर्शिप में आई एन जी ऐड हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, हिंदी वाला सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट हो ना, आप जानते हैं, और इंग्लिश बनाते समय उसका उसको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और भी कुछ जो भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। और इस टाइप के सेंटेंस क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने कई बार बताया, यस या फिर यस आर नो टाइप, है ना, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, क्लियर। और बी वाला देखिए, डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड ई टी सी, कुछ और हो तो, ठीक। इसे क्या कहते हैं, इसे कई बार मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, डब्ल्यू एच टाइप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
डब्ल्यू एच टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस, या फिर इस और क्या बोलते हैं इसको, डी ओ बी एल ई, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस, क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं ए वाले को, यस आर नो टाइप वाला, ठीक। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। पहला एग्जांपल है हमारा, क्या तुम सच बोल रहे हो, रहे हो आया, ठीक, रहे हो आए, आर मीन्स हो होता है बच्चों, ऐसे भी आप जानते रहे। या फिर यू एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, ऐसे भी आप याद कर लें, ठीक। देखिए क्या से स्टार्ट हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो आर लगा देंगे, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्लियर, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, ये हो गया। सेकंड देखिए, वे अब कहाँ रह रहे हैं। अब देखिए वे क्या है, वे मीन्स दे, जो कि प्लूरल है, क्या लगेगा, आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कहाँ आया है, क्वेश्चन वर्ड आया बीच में कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश पहले आप लगाइए वेयर, फिर आर लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट दे है, फिर लिविंग नाउ, देखिए एडवर्बियल भी आ गया, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ, यह हो गया आपका ट्रांसलेशन। थर्ड नंबर है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, फिर देखिए क्यों आ गया, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, उसको सबसे पहले लिखिए वाई, और सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा आर, तो उसके पहले आर लगा दीजिए, वाई आर यू, फिर मेकिंग अनवाइज, क्लियर। इस तरीके से ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। अब हम इसके आगे सीखेंगे इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यही वाला सेंटेंस है, बट इसमें क्या करना है, बस नॉट ऐड हो गया है, नॉट ऐड होने से इसको नेगेटिव बोला जा रहा है, ठीक, नेगेटिव इंटरगेटिव बोला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले इसका स्ट्रक्चर आप सब नोट कर लें, स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर, वही स्ट्रक्चर है, बस नॉट इसमें एक्स्ट्रा है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा ना, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर ईटीसी, मींस कुछ भी आ जाए कोई और वर्ड तो ऑब्जेक्ट के बाद राइट करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, यहाँ है ना सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब का इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सेंटेंस का ना, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखिए, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। चलिए एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, वह खाना क्यों नहीं खा रही है, देखिए क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया है और नहीं आया है, तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लगाइए वाई, वह है सिंगुलर है तो वाई इज, फिर सी, फिर नॉट ईटिंग फूड, why is she not eating food, इस तरीके से बन गया आपका ट्रांसलेशन, है ना। अब देखिए वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, अब क्यों नहीं, क्यों पहले आया बीच में, मीन्स क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड मीन्स डब्ल्यू एच वाला वर्ड है ना, तो डब्ल्यू एच वाला वर्ड लगाइए पहले why, और वे हैं, वे क्या है प्लूरल नंबर ना, दे क्या होता है प्लूरल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, बस वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। लास्ट एग्जांपल है हमारा, राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो, हैं या फिर कर रहे हैं ऐसा कहेंगे, या फिर कर रहे हो बातें की हुई, वाई आर, देखिए राम और श्याम दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया इसलिए आर लगेगा, और क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले लगेगी, वाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग, तो राम और श्याम सुर क्यों नहीं कर रहे हैं, सॉरी पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, फिर अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने आपको आसान शब्दों में कोशिश किया कि अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाया जाए,
आई होप अगर आपको सच में हमारी बात समझ में आई हो, टेंस समझ में आ गया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वाला टेंस जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।